नमस्कार न्यूसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं कोर्ट के यहाँ पर। हम आपको ये बता रहे, अभी कुछ देर पहले जितेंद्र नारायण, जिनके ऊपर गैंग रेप का आरोप थे और वो हमारे पूर्व सीएस थे, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया सीजीएम कोर्ट में। और हम आपको ये बता दें, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फिर से उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया है। और ये कितने दिन के पुलिस कस्टडी में लिया गया है, ये हमारे सोर्सेस के मुताबिक अभी तक हमें ये पता नहीं चला है, लेकिन इसका अपडेट हम आपको देंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही उन्हें कोर्ट से ले गए हैं। और हम आपको ये बताते हैं, डे वन से हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। देन हम लोग कल जो न्यूज़ कवर कर रहे थे, हमने ये भी दिखाया था कि उनका जब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ था, तब उन्हें वहाँ से जो है जीवन अस्पताल ले गए थे। और जीवन अस्पताल में मेडिकल एग्जामिनेशन जब उनका हुआ, तब उन्होंने हमसे कुछ कहा था। पूर्व सीएस जितेंद्र नारायण, तो ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है सिर्फ न्यूज़ आप तक में ही आया था, हम आपको ये भी बता दें। और उसके बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद उन्हें अबडीन पुलिस स्टेशन में रखा गया। और अबडीन पुलिस स्टेशन में उन्हें डिटेन करके रखने के बाद, फिर आज सवेरे फिर से उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके गए थे। देन उसके बाद ITF ग्राउंड पर, जहाँ पर कोविड टेस्ट होता है, वहाँ पर उन्हें लेके गए। उसके बाद उन्हें फिर से दोबारा जब कोर्ट लेके आए, तो CGM कोर्ट द्वारा वहाँ पर फिर से उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया। तो ये कितना दिन का पुलिस कस्टडी है, इसका डिटेल्स अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन हम आपको ये बता दें, इसका डिटेल्स हम आपको देंगे। और आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा काम ही यही है, सच दिखाना, और ये सच हम हमेशा दिखाते रहेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि जैसा कल हमने कवरेज किया था मेडिकल से, जीवन अस्पताल से, जब उन्हें एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले आए थे मेडिकल पर, तो तब भी आप उस वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि किस घमंड में उन्होंने बात किया। आप देख सकते हैं पूर्व सीएस जितेंद्र नारायण, देखिए इतने बड़ा आरोप उनके ऊपर लगने के बावजूद भी उनका घमंड जो है टूटा नहीं है। तो आखिर इसके बारे में हम और क्या कहें। बस जो भी व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, आप अपना कमेंट्स करके बताएं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।